और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। लगातार बयानबाजियों के दौर के बाद अब दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के बाद वोटिंग हुई और विधेयक पर पर्चियों के जरिए ये वोटिंग चली। वोटिंग के बाद महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, कल से हमने देखा किस तरीके से ये नए संसद भवन में लोकसभा ने यह इतिहास रच दिया है। 27 सालों के इस लंबे संघर्ष के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विधेयक को लेकर बातचीत की। सब तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और इसके बाद लोकसभा ने यह इतिहास रच दिया है। नए संसद भवन के साथ कल की कार्यवाही शुरू हुई थी। 5 दिनों का यह विशेष सत्र चल रहा है और ऐसे में महिला आरक्षण बिल लाना तमाम अटकलों के बीच 27 सालों का यह सफर लगा। उसके बाद बिल पर वोटिंग की गई, पर्चियों पर यह वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से श्रेय लेने की होड़ बची हुई थी, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आई। आज हमने सदन में भी सुना इस चीज को लेकर कि राजीव गांधी ने इस बिल को लाया था। और उसके बाद देखिए दूसरी ओर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात का जिक्र किया कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका है। और देखिए विधेयक पर आज पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद इस विधेयक को पास कर दिया गया है। तो लोकसभा ने इतिहास रचा। 27 सालों का वो वक्त लगा लंबी संघर्ष के बाद। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण पर यह बिल बनाया गया। 33% आरक्षण देने की बातें कही गई और ऐसे में विधेयक पर पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये निष्कर्ष हमारे सामने है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें कही गई और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित कर दिया गया है। विधेयक पर पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई थी, वोटिंग के बाद ये पूरी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उस निष्कर्ष को बाहर निकाला गया और नए संसद भवन से इतिहास रचने का काम हुआ है। लोकसभा में चर्चा के बाद ये वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद तमाम, इसके पहले हमने बखान देखी बीजेपी के तमाम सांसदों की ओर से। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद आज संसद में इन बातों का जिक्र किया कि महिलाओं के संरक्षण के लिए लगातार केंद्र सरकार कार्य कर रही है और ऐसे में महिला आरक्षण बिल पास होना एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 27 सालों का वो सफर लगा था और इन 27 सालों में तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल हमें देखने को मिली और इस बार भी हमने देखा। लगातार इन 2 दिनों से बयानबाजी हमने सुनी, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर है आम जनता के लिए। हालांकि देखिए गृहमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि इसके बाद जातीय जनगणना होगी और परिसीमन होगा, उसके बाद ही यह पटल पर आएगा। अमित शाह ने कहा है माताओं बहनों और बेटियों का सम्मान बढ़ा है, 10 करोड़ महिलाओं के आरक्षण की ये बातचीत हो रही है। विधेयक पर पर्चियों के जरिए ये बातचीत हुई, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। आरक्षण बिल पास होते ही लोकसभा में देखिए तालियों की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसे में हमने पहले भी देखा था। बिल पास, ऐतिहासिक विधेयक पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। आज शाही संसद में कार्यवाही का दूसरा दिन था और लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बिल के प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी थी और इसके बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। वहीं शाम को राहुल गांधी ने इस बिल पर अपनी बात रखी, उन्होंने इसका समर्थन किया, साथ ही मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के, माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, सरस्वती विद्या और
माँ लक्ष्मी वैभव का स्वरूप है। इन तीनों स्वरूपों ने हमारे पुरखों ने माँ की ही कल्पना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि सभी लोग इस बिल का समर्थन करें। और देखिए आज लोकसभा से यह ऐतिहासिक बिल पास कर दिया गया है। इससे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई थी और सदस्य विधेयक के पक्ष में अपना वोट दर्ज कराने के लिए एक पर्ची भर रहे थे। स्लिप का हरा हिस्सा हाँ यानी समर्थन दर्शाता था, जबकि लाल हिस्सा नहीं दर्शाता रहा। और इन हर पर्ची में सदस्यों का अपना नाम, आईडी नंबर, निर्वाचन क्षेत्र भरना था इन सभी को। और सदस्यों को बिल के लिए अपना वोट दर्ज करने के लिए एक पर्ची भरनी थी। जो लोग वोटिंग से अनुपस्थित रहना चाहते हैं, वे भी पीली पर्ची मांग रहे थे। और एक बार जब सदस्य अपनी पर्चियां भर देंगे तो सदन में आधिकारिक गिनती के बाद ये पर्चियां एकत्रित हुई, उसके बाद ये मीटिंग हुई और ऐतिहासिक विधेयक पर मोहर लगती हुई। ये सारी तस्वीरें लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास कर दी गई है। ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए आज वही संसद में कार्यवाही का दूसरा दिन था और दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पर बातचीत हुई थी। तमाम सांसदों ने अपने पक्षों को रखा और कल भी हमने संसद के अंदर सुना, विपक्षी सांसद भी ये कहते हैं दबी जुबान से, हमने उन्हें भी सुना कि कहीं ना कहीं ये बिल आना बेहद जरूरी था महिलाओं के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए और तमाम मुद्दों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी ये बेहद जरूरी था। और लोकसभा में ये चर्चा के बाद वोटिंग हुई और विधेयक पर पर्चियों के जरिए वोटिंग की गई। लाल, हरा और पीला पर्चा दिया गया और वोटिंग के तमाम नतीजे के बाद लोकसभा ने ये इतिहास रच दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना बनी हुई है। भावना, देखिए लोकसभा ने इतिहास रच दिया है महिला आरक्षण बिल पर तमाम अटकलों के बाद ये मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दिया जाए जिस तरीके से अभी आपने भी तमाम बातों का जिक्र किया, लोकसभा में बिल जो है पास हो गया है और अब राज्यसभा में कल बिल टेबल होगा, चर्चा होगी और इसके बाद अभी कई लोग जो है इस चर्चा में अपनी दर्ज कराएंगे और इसके बाद वोटिंग होगी और फिर वहां से भी इस पर मोहर लगती हुई नजर आएगी और इसके बाद ये एक कानून का रूप लेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी तस्वीरें अभी देखी जा सकती है लोकसभा की, जब हमने इन्हीं सांसदों से सुबह बात की तो ये काफी ज्यादा उत्साहित थे कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, हम एक भागीदारी दर्ज करने जा रहे हैं उसमें। और सबसे जरूरी बात यही है कि महिलाओं के आरक्षण का बिल पास होते ही महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाएगी, जो कि वर्तमान में 15% है, विधानसभा में 10% है। ऐसे में अब सवाल कई सारे उठने भी लगे हैं कि आखिर जनगणना कब होगी, परिसीमन आयोग का गठन कब होगा और कैसे जो है इस आरक्षण को, जो कि आने वाले समय में संभवतः पास होता हुआ नजर आ रहा है, पारित होता हुआ नजर आ रहा है, कानून के रूप में तब्दील होता हुआ ये नजर आएगा भी, तो ऐसे में किस तरीके की कंडीशन बनेगी, आरक्षण कब तक लागू होगा, वो सहभागिता कब तक दर्ज होगी, क्योंकि अमेरिका में भी 33% है, ब्रिटेन में 28%, 28% है। और ऐसे में अब भारत की बात की जाए जिसका इंतजार पिछले 27 सालों से था, अब ये इंतजार जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस सरकार की बात करें तो सरकार में राज्यसभा में ये बिल पारित जरूर हुआ था लेकिन लोकसभा में अटक गया था। ऐसे में अब वर्तमान सरकार की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा में जरूर पारित हो गया लेकिन कल राज्यसभा में भी इन्हीं आंकड़ों का समीकरण बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा और ऐसे में ये कानून का रूप भी लेगा। जी बिल्कुल भावना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।